हेलो एवरीवन, सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फेंग शिंग मिस्टर लूमिंग से अपना रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करती है और लिस्ट प्रिपेयर करती है कि आखिर उन लोगों को साथ में क्या क्या करना चाहिए, और अगले दिन उनके साथ डिनर पे भी जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कंपनी में आजिया से एक एम्प्लॉय आती है जो कि एक प्रोजेक्ट में चुआंग और योंगसुआ की हेल्प करने के लिए आई होती है, और उस लड़की का नाम वेन्यू होता है। उसे चुआंग के साथ देखकर कोंगसुआ जेलस फील करती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये वेन्यू से इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहा है। लंच टाइम में भी कोंगसुआ और बाय नोटिस करते हैं कि किस तरीके से योंगसुआ और चुआंग उस लड़की पे फिदा हो रहे हैं और वो लड़की किस तरीके से इन्हें अपनी बातों में फंसा रही है। तभी फेंग शिंग भी हेल्प करने के लिए ऑफिस में आती है और वो वहाँ पे योंगसुआ को उस लड़की के साथ देखती है, और उन दोनों को ही साथ पे हंसता हुआ देखकर कोंगसुआ कहती है कि जब से ये लड़की कंपनी में आई है तब से योंगसुआ से चिपकी जा रही है, और आग में घी डालते हुए कहती है कि योंगसुआ भी कुछ कम नहीं है, वो भी उस लड़की की कंपनी को ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। इस चीज से फेंग शिंग काफी अफेक्टेड दिखाई देती है, और इसके बाद योंगसुआ जब बाहर आता है तो बाय उससे पूछ ही लेती है कि आखिर वो लड़की कैसी है, जिस पे योंगसुआ कह देता है कि उसे तो वो लड़की अच्छी लगी। और यहाँ पे योंगसुआ ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। ये बात सुनकर फेंग शिंग चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि योंगसुआ उसके फ्रेंड साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे उसे फेंग शिंग की याद आने लगती है और वो उदास हो जाता है। वही दूसरी ओर में फेंग शिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है, और उसे योंगसुआ का उस लड़की के साथ होना याद आ जाता है, और ये सब याद करने के बाद वो गुस्सा होकर सो जाती है। तो इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लूमिंग फेंग शिंग के साथ लंच कर रहे होते हैं, और तभी उसी प्लेस पे योंगसुआ वेन्यू को लेके आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर फेंग शिंग को बहुत बुरा फील होता है, और मिस्टर लूमिंग को यहाँ लगता है कि फेंग शिंग गुस्सा हो रही है। और फेंग शिंग के वॉशरूम जाने पर वो उसकी डायरी चेक करते हैं जिसपे योंगसुआ का नाम लिखा होता है, और उसकी राइटिंग देखकर समझ में आ जाता है कि उसने उसका नाम फ्रस्ट्रेशन में लिखा है, और ये देखकर वो काफी सैड हो जाते हैं। और फेंग शिंग के वापस आने पर वो एक्सक्यूज बना के वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर में देखा जाता है फेंग शिंग की मॉम को जो कि अपने बेटे यांग को मिनमिन के साथ देख लेती है, और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है, और उन्हें यांग पे गुस्सा भी आती है कि वो मिस्टर लूमिंग की नाइसी को डेट कर रहा है। और इसके बाद वो यांग पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे डांटती है और उसे सख्त हिदायत देती है कि वो जल्द से जल्द ये रिलेशनशिप एंड कर दे, पर यांग इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी मॉम को डायरेक्टली मना कर देता है कि वो ये रिलेशनशिप एंड नहीं करने वाला, क्योंकि अब वो मिनमिन से प्यार करता है, और उसे लग रहा होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि फेंग शिंग कुछ भी करे तो सब कुछ ठीक है और वो करे तो सब कुछ बहुत गलत होता है, और इसी बात से परेशान होकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर लूमिंग फेंग शिंग से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, और फेंग शिंग की मॉम उनसे सॉरी कहती है और उनसे माफी मांगती है यांग की हरकतों को लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग शिंग मिस्टर लूमिंग के साथ सुपरमार्केट जाती है और उसे वहाँ पे लगता है कि वो गलत थी। उस दिन रेस्टोरेंट में उसे योंगसुआ के वहाँ पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, जिस पे मिस्टर लूमिंग को लगता है कि सारी चीजों के जिम्मेदार वही है क्योंकि इस रिलेशनशिप को उन्हीं ने स्टार्ट किया था। लेकिन वन मंथ के बाद भी अगर फेंग शिंग को उनसे लव नहीं होता है तो वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग शिंग के कलीग्स फेंग शिंग की मॉम से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, और इसके बाद वो बोलिंग बॉल खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो न्यू एम्प्लॉय वेन्यू भी आके उन्हें ज्वाइन करती है, और वो योंगसुआ से बॉलिंग बॉल सिखाने के लिए कहती है, जिसपे योंगसुआ उसे सिखाने लगता है, और ये देखकर फेंग शिंग जेलस फील करती है। फेंग शिंग और बाय एक टीम में होते हैं, और योंगसुआ और वो न्यू एम्प्लॉय एक टीम में होते हैं, और कोंगसुआ और चुआंग एक टीम में होते हैं, और यहाँ पे वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और बैट लगाते हैं कि जो भी लास्ट आएगा उसे बिल पे करना होगा। योंगसुआ और उस एम्प्लॉय को एक साथ खेलता हुआ देखकर फेंग शिंग काफी डिस्ट्रैक्ट होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिसके बाद फेंग शिंग ढंग से परफॉर्म भी नहीं कर पाती है। यहाँ पे कोंगसुआ फर्स्ट आना चाहती है क्योंकि वो उन लोगों को जीतते हुए नहीं देख सकती, और चुआंग से कहती है कि अगर वो जीता तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये सुन के चुआंग बहुत खुश होता है। इसके बाद चुआंग काफी एक्शन के साथ बॉल फेंकता है जैसे कि वो फुल स्कोर करेगा, पर वो एक भी स्कोर नहीं कर पाता है और बॉल मिस हो जाती है। ये देखकर कोंगसुआ और बाकी सभी एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं, और आगे हमें दिखाया जाता है कि फेंग शिंग की टीम लास्ट होती है इसलिए वो पे करती है, और जब वो अपना फोन लेने के लिए वापस वहीं जाती है तो वो देखती है कि वेन्यू अकेले में बिना योंगसुआ की हेल्प के काफी अच्छे से बॉलिंग खेल रही है, और ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और समझ जाती है कि वेन्यू इतनी देर से बहाना बना रही थी सिर्फ योंगसुआ के करीब रहने के लिए, जबकि उसे ये गेम अच्छी तरीके से आता है। जिसके बाद वेन्यू फेंग शिंग को वहाँ पे देखकर उसको किसी को भी ना बताने का इशारा करती है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और सभी लोग कोरियर को जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फेंग शिंग वहाँ से चली जाती है और योंगसुआ भी उसके पीछे पीछे जाता है। और उन लोगों के जाने के बाद कोंगसुआ कहती है कि मिस फेंग शिंग कुछ ज्यादा ही इरिटेटेड दिखाई दे रही है, जिसपे वेन्यू डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि आखिर फेंग शिंग और योंगसुआ का ब्रेकअप कब हुआ,
जिसमें पाई कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कभी करते ही नहीं थे। योंगसुआ तो बस ऐसे ही मिस फेंगशिंग के इर्द गिर्द घूमता रहता है और चुआंग और कोंगसुआ से पूछती है कि ऐसा ही है ना, जिसपे वो लोग चुप होकर अपना डिनर करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मिनमिन को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने अंकल के घर रहने जाती है और ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर अपने अंकल को सैड देखकर मिनमिन उनसे सॉरी कहती है और उन्हें बोलती है कि वो प्रोफेसर यांग को डेट कर रही है और वो उनसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती, और साथ ही वो उनसे कहती है कि उसे उनकी और फेंगशिंग की रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर लूमिंग कुछ भी नहीं कहते और उसे माफ कर देते हैं। वही दूसरी ओर हमें दिखा जाता है कि योंगसुआ फेंगशिंग के पीछे पीछे आता है और उससे कुछ बातें करने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए वेन्यू ठीक है और मुझे लगता है कि मैं जल्द ही उसे पसंद करने लगूंगा और तुम्हारे लिए मेरे वन साइडेड लव को भूल जाऊंगा। जिसमें फेंगशिंग कहती है कि आखिर वो उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है, अगर वो उस न्यू एम्प्लॉय के साथ कोई न्यू रिलेशनशिप शुरू भी करना चाहता है तो क्या उसे उसके एक्स को बताना जरूरी है। जिसपे योंगसुआ कहता है कि मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था ताकि तुम्हें मेरे फ्यूचर की लेके चिंता ना हो। जिसपे फेंगशिंग चिल्ला के कहती है कि अपने दूसरे फ्रेंड से जाके शेयर करो ये बात। जिसपे योंगसुआ कहता है कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो, क्या तुम जेलस फील कर रही हो। उसकी ये बात सुनकर फेंगशिंग गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और योंगसुआ उसे जाता देखकर हंसता है। वहीं दूसरी ओर हमें कोंगसुआ और बाय को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठी होती हैं और बाय उससे नाराज होती है कि आखिर उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई कि मिस फेंगशिंग और योंगसुआ साथ में डेट कर रहे हैं। जिसपे कोंगसुआ उसे बताती है कि उसे भी ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली है और मिस फेंगशिंग नहीं चाहती थी कि स्टाफ में ये बात किसी को भी पता चले, तो तुम भी किसी को मत बताना। यहाँ पे चुआंग उनके साथ काफी सैड बैठा होता है और उसे लग रहा होता है कि उसने वो बॉलिंग मिस करके बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, क्योंकि कोंगसुआ को डेट करने का एक चांस भी उसने गवा दिया। फिर आगे दिखाया जाता है कि कोंगसुआ और चुआंग साथ में घर जा रहे होते हैं, जिसपे कोंगसुआ चुआंग को डिस्टर्ब देख के उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी उसकी शर्त के बारे में सोच रहा है। जिसपे चुआंग उसे सीरियस होकर पूछता है कि वो उस समय सिर्फ मजाक कर रही थी उस शर्त को लेके, वो सीरियस नहीं थी है ना। जिसपे कोंगसुआ हंसती है और कहती है कि ऐसी चीजों में कोई मजाक करता है क्या, अगर हम उस गेम में सही में जीतते तो मैं तुम्हें सचमुच में डेट करती। उसकी ये बात सुनकर चुआंग और दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती थी कि हाँ तुम झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब मुझे और गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने आया हुआ चांस भी गवा दिया। उसकी बातें सुनकर कोंगसुआ हंसने लगती है और उसे देखकर चुआंग उसे कहता है कि खैर जो भी हो, मुझे अब जल्द से जल्द पैसे कमाकर अपने लिए घर खरीदना चाहिए। ये सुनकर कोंगसुआ कहती है कि वैसे मुझे ज्यादा बड़े घर की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चुआंग कहता है कि तुम्हारे लिए घर खरीद भी कौन रहा है, मैं तो अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा हूँ। ये सुनकर कोंगसुआ उसे मारने लगती है, जिसके बाद चुआंग उसे पकड़ के हक कर लेता है और उसे सॉरी कहता है कि आज का गेम वो उसके लिए नहीं जीत पाया। जिसपे कोंगसुआ कहती है कि शायद अब आगे की लाइफ हमारी ऐसी ही रहेगी कि जिसमें हम जीतेंगे तो नहीं पर हाँ हारेंगे भी नहीं। जिसपे चुआंग उसे प्रॉमिस करता है कि उन लोगों की लाइफ सही करने के लिए वो फ्यूचर में और सक्सेसफुल होगा और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगा। जिसके बाद कोंगसुआ उससे कहती है कि तुम आज बॉलिंग करते समय काफी कूल लग रहे थे, इसलिए मैं मानूंगी कि तुम वो मैच जीत गए, और ये कहकर वो जाने लगती है। तो चुआंग उसका हाथ पकड़ के उसे पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो, पर वो कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लूमिंग ड्रिंक कर रहे होते हैं अकेले में और फेंगशिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। वही दूसरी ओर फेंगशिंग का भी मन नहीं लग रहा होता है योंगसुआ के बारे में सोचकर, जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे बातें कर वो उन्हें हक कर रोने लगती है और फेंगशिंग और मिस्टर लूमिंग यूं ही बैठकर रात बिता देते हैं। और सुबह होने पर फेंगशिंग सोचती है कि वो अपनी फीलिंग्स को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे पर वो ऐसा नहीं कर सकती है। आगे दिखाया जाता है कि फेंगशिंग अपनी फ्रेंड सॉन्ग से मिलती है और उसे बताती है कि वो मूव ऑन करना चाहती है, पर वो जब भी योंगसुआ को दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसे जेलसी फील होती है। तो सॉन्ग उसे कहती है कि ऐसा होने का मतलब है कि वो अभी भी योंगसुआ को पसंद करती है और अगर अभी भी वो खुद से झूठ बोलना चाहती है तो फिर उसकी मर्जी। लेकिन सॉन्ग उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपनी फीलिंग्स को कंसीडर करना चाहिए। रात में हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग मिस्टर लूमिंग के घर जाती है और वो साथ में बैठ के डिनर करते हैं और मिस्टर लूमिंग उसके साथ डिनर करते हुए कहते हैं कि 1 month की बात वो भूल जाए, क्योंकि वो अब उसके साथ अभी ब्रेकअप करना चाहते हैं। फेंगशिंग उनके लिए बहुत बुरा फील करती है और उनसे सॉरी भी कहती है और फेंगशिंग उन्हें बताती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिलेशनशिप के लिए पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं और फालतू की बातें करने लगते हैं। फिर वहीं दूसरी ओर हमें यांग और मिनमिन को साथ में दिखाया जाता है, जहां पे मिनमिन उसे बताती है कि उसके अंकल उनकी रिलेशनशिप के लिए मान गए हैं और यांग से पूछती है कि उसके मॉम डैड उसके लिए माने कि नहीं। जिसपे यांग उन्हें बताता है कि उसके मॉम ने घर का पासवर्ड चेंज कर दिया है और वो घर के अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो उसके लिए काफी बुरा फील करती है। इसके बाद यांग मिनमिन को घर छोड़ने जाता है और वहाँ पे फेंगशिंग को पाता है, जिसके बाद वो फेंगशिंग को वापस घर लेके आता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कोंगसुआ ऑफिस पहुंचती है और उसे प्रमोशन मिला होता है तो वो काफी खुश होती है और सभी उसके लिए खुश होते हैं
और कोंगसुआ और चुआंग की बातें सुनकर सभी को पता चल जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिसपे बाय कोंगसुआ को टीज करती है और साथ ही योंगसुआ को बताती है उसकी 7 डेज की लीव अप्रूव हो गई है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ जाने वाला है। तो योंगसुआ उसे बताता है कि वो अपने फेवरेट आर्किटेक्चर की क्लासेस अटेंड करने वाला है और वेन्यू भी उसके साथ जा रही है। ये सुनकर चुआंग कहता है कि लगता है तुम वेन्यू को पसंद करने लगे हो, जिसपे योंगसुआ कहता है कि नहीं, वो वेन्यू को नहीं पसंद करता है। तो कोंगसुआ उससे कहती है पर वेन्यू तुम्हें पसंद करती है और वो जल्द ही तुम्हें परस्यू कर लेगी। वहीं दूसरी ओर में फेंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि सुबह जागकर यांग के साथ बैठकर बात कर रही होती है और यहाँ पे वो फाइनली डिसाइड कर चुकी होती है कि अब वो अपने मॉम डैड को सब कुछ सच सच बता देगी। पर यांग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि डैड की तबीयत अभी खराब होती है, पर फेंगशिंग डिसाइड कर चुकी होती है और इसके बाद वो अपने मॉम डैड के साथ बैठ के बात करती है और उन्हें बता देती है कि उसने मिस्टर लूमिंग से ब्रेकअप कर लिया है और वो ये भी बताने वाली होती है कि असल में वो किसे पसंद करती है। पर यांग उसे रोक देता है और उसे कहता है कि अब तुमने बहुत बोलिया, यहाँ से जाओ क्योंकि डैड की तबीयत खराब है। और फेंगशिंग को लगता है कि यही सही टाइम है और वो उन्हें बता देती है कि वो असल में योंगसुआ को पसंद करती है। और ये सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि आखिर वो इतनी सेल्फिश कब से हो गई है, क्या उसे मॉम डैड की जरा सी भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अभी मॉम डैड को योंगसुआ के बारे में बताए। पर मॉम डैड उसे चिल्लाता हुआ देखकर फेंगशिंग को डिफेंड करने लगते हैं और फेंगशिंग भी सॉरी बोलती है और यांग से कहती है कि मैं बस योंगसुआ को नहीं भूल सकती हूँ, जिसपे मॉम और डैड यांग को चिल्लाते हैं और उसे शांति से बात करने के लिए कहते हैं, जिसपे यांग कहता है कि आप लोग सिर्फ उसकी साइड लेते हो और उसके हिसाब से उसे योंगसुआ को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उससे काफी छोटा है। जिसपे फेंगशिंग की मदर कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फेंगशिंग योंगसुआ के साथ रहना चाहती है तो, क्योंकि दोनों ही सिंगल है और वो अडल्ट है और वो अपनी लाइफ का फैसला कर सकते हैं और इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो यांग से कहती है कि तुम भी तो मिनमिन को डेट कर रहे हो। उनकी बातें सुनकर यांग को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है और उनसे सॉरी बोलती है कि उसने इतने लंबे समय तक उनसे सारी बातें छुपाई और वो उन्हें सब कुछ बताती है कि वो योंगसुआ उसका बॉयफ्रेंड था और वो दोनों बहुत समय तक रिलेशनशिप में भी रहे, पर वो अपने रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर फील करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स कभी उसकी रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेंगे और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉम यांग के पास जाती हैं और उसकी पसंद भी पूछती हैं और ये सुनकर यांग खुश हो जाता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो मॉम अपने बच्चों में डिफरेंस नहीं कर सकती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग अपने रूम में होती है और उसे अपना मोबाइल देखकर पता चलता है कि कल रात नशे की हालत में उसने योंगसुआ को कॉल करके उससे 5 घंटे तक बात की थी, लेकिन उसने रात में योंगसुआ से क्या बातें की थी उसे कुछ भी याद नहीं होता है। फेंगशिंग को योंगसुआ की याद आ रही होती है तो वो पार्क में जाती है और योंगसुआ को कॉल करती है तो योंगसुआ उसे बताता है कि वो 7 डेज की लीव पे जा रहा है और वो भी उस न्यू एम्प्लॉय के साथ। ये सुनकर फेंगशिंग जेलस फील करती है और उसे रोकना भी चाहती है, लेकिन योंगसुआ जानबूझ के कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग अपने पेरेंट्स को बताती है कि योंगसुआ एक कलीग के साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गया है और उसे डर है कि कहीं योंगसुआ उसे अब पसंद ना करने लगे, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे वहां पे जा रही है और अब वो योंगसुआ को वापस लेके आएगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि यांग योंगसुआ को बातों में फंसाकर उससे उसकी लोकेशन मांगता है, जिसके बाद वो उसकी लोकेशन फेंगशिंग को सेंड कर देता है और फेंगशिंग उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग फाइनली वहां पे पहुंच जाती है और योंगसुआ का पोस्ट देखती है उस लड़की के साथ, और बाहर जब वो घूमने के लिए जाती है तो वहां पर योंगसुआ उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, जहां पे फेंगशिंग ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो, पर योंगसुआ समझ जाता है कि वो उसके पीछे ही यहाँ पे आई है और वेन्यू योंगसुआ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है और उन्हें साथ देकर फेंगशिंग बहुत ही अपसेट फील करती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।